आज हम प्याज की मठरी बनाएंगे। प्याज की मठरी को आप ओनियन के डोनट्स भी कह सकते हैं। ये टेस्टी लगते हैं बहुत ही खाने में और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ये चाय टाइम के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए प्याज की मठरी बनाना शुरू करते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ली है, इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। हमें यहाँ मैदा से एक सख्त आटा गूंदकर तैयार करना है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। अजवाइन ली है 1/2 चम्मच, अजवाइन डालेंगे। कस्तूरी मेथी ली है मैंने यहाँ 1 चम्मच, इसे मैं हाथ के बीच में रब करके तब इसमें डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मठरी में। आप सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई कप मैंने यहाँ ऑयल लिया है, इसमें मोइन डालने के लिए ऑयल डाल देंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल को। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से जब हम मैदा को बाइंड करें तो ये बाइंड होनी चाहिए, इतना मोइन हमें इसमें डालना है। मैदा को गूंदने के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त आटा गूंदकर तैयार करेंगे। पूरी के आटे से सख्त आटा गूंदना है हमें यहाँ। यहाँ मैंने आटा गूंदने के लिए 1/2 कप पानी यूज किया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा सेट हो चुका है। एक बार इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। एक मिनट के लिए मैंने इसे गूंद लिया है फिर से। अब हम इसमें से एक बड़ी लोई लेंगे और इसे बेलकर तैयार करेंगे। आटे में से हमें बड़ी बड़ी लोई बनानी है और इसे बड़ा बेलकर तैयार करना है। ये देखिए, मैंने इसे बड़ा बेल लिया है और इसकी मोटाई हमें इतनी रखनी है। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ मैंने ये एक ढक्कन लिया है, इसे मैं यहाँ गोल शेप में काट रही हूँ एक पीस को। आप जिस भी शेप में चाहें काट सकते हैं इसे, या तो आप चाहें इसे मठरी की शेप में भी काट सकते हैं। यहाँ मैं बाकी के कुकी कटर से काटूंगी। ये देखिए, मैं इस शेप में इसे काट रही हूँ। आप कोई भी कुकी कटर भी यूज कर सकते हैं इसमें, किसी भी शेप का कुकी कटर ले सकते हैं इसे काटने के लिए। ये देखिए, मैं इस शेप से भी इसे काटूंगी। अलग अलग शेप में काट के बनाने से बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं, तो वो इजीली इन्हें खाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप में इन्हें बना रही हूँ। अब हम एक फॉर्क लेंगे और इस तरीके से हम फॉर्क से मठरी को दबा देंगे, जिससे कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं। सारी मछली काट लेंगे और फॉक से इन्हें दबा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें फॉक से इन्हें दबाना है ताकि ये जब हम इन्हें फ्राई करें तो फूले नहीं।
अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो चुका है हमारा। अब हम इसमें मठरी डालेंगे, हमें इन्हें तेज ऑयल में फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक मठरी को पलट पलट कर फ्राई करना है। ये देखिए मठरी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। इन्हें हम प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम इन पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे और इन पर छिड़क देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब आप इन्हें कढ़ाई से निकालें तभी इन पे चाट मसाला डाल दें, जिससे कि चाट मसाला इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। चाट मसाला डालने से और भी अच्छा स्वाद आता है। बची हुई मठरी भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी प्लेट पर निकाल लेंगे, इस पे भी चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे डोनट्स बनकर रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। ठंडा होने के बाद आप इन्हें कंटेनर में भरकर एक महीने तक के लिए रख सकते हैं। ये जल्दी से खराब नहीं होते और जब भी आपको नाश्ते में कुछ खाने का मन करे इन्हें निकालिए और इंजॉय कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। मेरी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।